हेलो फ्रेंड्स, मेरे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चीज़ गार्लिक ब्रेड। उसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें है 100 ग्राम मक्खन लिया है। ये मेरा घर का बनाया हुआ मक्खन है। इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे क्योंकि बाजार वाला मक्खन होता है उसमें पहले से ही नमक होता है, उसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये मैंने घर पर बनाया, इसमें मैं थोड़ा नमक डालूंगी। ये मैंने आधा चम्मच नमक डाल लिया और इसमें मैं अब ये मैंने गार्लिक को काटा है, बहुत बारीक बारीक फाइनली चॉप्ड किया है। और इसमें मैं चिली फ्लेक्स मिलाऊंगी, इससे इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा चिली फ्लेक्स का। कितना? इसमें मैं आधा चम्मच ऑरिगैनो पाऊंगी। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम ब्रेड लेंगे और उस पर जो मक्खन और लहसुन का हमारा पेस्ट है उसको अच्छी तरह से लगाएंगे। थोड़ा थिन ही रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं लगाना। ऐसे लगाकर हम ये चार पीस बना के रख लेते हैं। ये मैंने चार पीस पर जो ये मक्खन का पेस्ट था वो लगा लिया है, मक्खन और गार्लिक का। अब मैं इसमें चीज़ डालूंगी, मोजरेला चीज़ है ये। अब इसके ऊपर जो दूसरा पीस है उसको रख देंगे और इसके ऊपर भी हम जो गार्लिक मक्खन का पेस्ट है वो हल्का थिन सा लगाएंगे, ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है। हमारा पैन है ये गर्म हो गया है, इसे हम जो अपना मक्खन वाला पीस है तो वो हम इसको नीचे रखेंगे। इसके ऊपर भी हम गार्लिक और मक्खन का जो पेस्ट है वो लगा देंगे थिन सा, ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है हमने। तो हम ढक देंगे ताकि जो हमारा चीज़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। अब मैं 1 मिनट हो गया तो मैं देखती हूँ इसको। ये देखिए, ये बहुत अच्छा हमारा तैयार हुआ है। इसको कवर नहीं करेंगे, अब ऐसे ही हम इसको पकाएंगे। दूसरी ओर आप जो हमारा टोस्टर है हम इसके ऊपर भी इसको पका सकते हैं। हमने ये ब्रेड रखी, उसके ऊपर हमने चीज रखी, फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा अच्छी तरह से पक गया है। इसको ऐसे पलट पलट कर हमने सेक लिया है, अब ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसको टोस्टर में बनाकर दिखाएंगे। ये हमने, अगर आपको स्पाइसी खाना है तो आपको थोड़ी हरी मिर्च डाल लेनी है इसमें। कॉर्न होते हैं स्वीट कॉर्न, वो भी उसमें डाल सकते हैं, कोई छोटी मोटी सब्जी भी डाल सकते हैं, तो आप अपनी पसंद के अनुसार कुछ भी डालिए। तो ये मैं ऐसे कर देती हूँ। अब इसके ऊपर मैं ये पेस्ट लगाऊंगी मक्खन का, गार्लिक का, एक थिन सा। अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पर भी ऐसे ही मक्खन लगाएंगे। इसको हम पलट पलट कर सेक लेंगे, थोड़ी देर 1 मिनट के लिए रहने देते हैं, फिर उलटाएंगे इसको। फ्रेंड्स ये हमने जो टोस्टर में बनाया था हमारा ब्रेड, तो वो भी बनके तैयार हो गया है। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं।
अब हमें क्या करना है, हमें गार्निश के लिए और टेस्ट के लिए इसको, ये थोड़ा गर्म पैन में रखते हैं इसको, और इसमें थोड़ा ऑरिगेनो, उसमें ऑरिगेनो डालते हैं, चिल्ली फ्लेक्स डालते हैं थोड़ा सा, अब हम इसको थोड़ा सा मक्खन लगा के इसको पलट देते हैं ताकि इसका जो ऑरिगैनो का टेस्ट और मिर्च का टेस्ट है वो आ जाए बीच में। वैसे आप ये ऑरिगैनो की जगह आप पेरी पेरी मसाला भी यूज कर सकते हैं, तो मेरे पास वो मसाला नहीं था तो मैंने इसमें ऑरिगैनो और जो चिली फ्लेक्स है उसका ही इस्तेमाल किया। अगर आप मिर्च कम खाना चाहते हैं तो आप चिली फ्लेक्स को स्किप कर सकते हैं। तैयार हैं हमारे जो गार्लिक चीज ब्रेड हैं, तो अब इनको काटेंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, इसमें जो चीज़ है ये देखिए,